वैसे तो बरियाट्रिक सर्जरी हर उम्र वासी की जा सकती है, पर जी यंगर जनरेशन है उन्होंने जो रिजल्ट है मैं कहना कमाल दे है। अजिहे कि शख्स तुम मैं इंटरव्यू कर लगा जैसे मैं 7-8 महीने पहले सर्जरी की 110 किलो तो तकरीबन 75 किलो उन्होंने वेट आ गया। तो देखो उन्होंने आउटलुक उन्होंने परसनैलिटी किमें ब्यूटीफाई हुई है कितने हैंडसम हो गया। आओ मिलिए मिस्टर तजिंदर सिंह जी। मैं कल मेरे पेशेंट मिस्टर तजिंदर सिंह जी बैठे है एंड इज ए यंग बॉय 28-30 साल इन्होंने एज है। 7 महीने पहले असी इन्हों की वेट लॉस सर्जरी की थी। तजिंदर जी जी एंड के तो बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर तो जम्मू के सिटी के रहने वाले हैं बिजनेसमैन है। कि तजिंदर जी की हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया सर बिल्कुल। कितना तारी वेट लॉस जर्नी रही कुछ शेयर करोगे अपना? जी सर एक्चुअली पहले तो काफ़ी ज़्यादा वेट सी जिस करके हर एक चीज़ वधिया परफेक्ट ना कपड़े वधिया मिलते सी ना कुछ हर एक चीज़ वास्ते। बट हूँ जिंदगी हुई है अच्छे हर एक बंदे ने अच्छा बोलिया कि वेट वगैरह अच्छा लूज हो चंगे कमेंट्स आते हैं कमेंट्स अच्छे आते हैं कम भी कर एफिशिएंसी वधी है अपने बिजनेस में बिल्कुल ज्यादा एक्टिव हो गए। हां एक्टिव हो गए सर चलन ज्यादा हो जाता हूं रनिंग भी कर लेने हैं एवरी न्यू क्वेश्चन। हां बिल्कुल। तो पहला तो लकी की दिक्कत आ रही थी जो तुम 110 वेट से टाटा सर बस दिक्कत यही है कि जब अपने काम के दौरान कि दूर जाना पड़ता सी कि वॉक करके जाना पड़ता सी कि उस टाइम बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती सी उतरा इंजे तो चल जाते बट जो वापिस आना हों बड़ी प्रॉब्लम पैंती सी बट हूँ नॉर्मल है कि हर जगह आराम ना जाने लगना। मैं पता तो चलता जी तुम काफ़ी बिजी हो अपने बिजनेस बिजनेस में जी बड़े बड़े काम डिस्कस किया करते हो अभी पर जे कोई ताकि एज को पता है कोई ओवरवेट होएगी तो सलाह कर सकता जिस वे टाइम होता तो गल या तो मैसेज छड़ दो फ्री टाइम कॉल कर सकते बिल्कुल सर कर सकते ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਲੇ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।